नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक विद सुषमा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों से गुड़ की सिवई बनाना बताऊंगी, जो हेल्दी भी होगी और स्वाद में भी भरपूर होगी। तो आप लोग भी इस ईद इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। गुड़ की सिवई बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे हम लोग, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, आपको जो मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हों वो आप ले सकते हैं। हाफ कप हम रोस्टेड सिवई लेंगे, अगर रोस्टेड वाली नहीं है तो आप इसको घी में थोड़ी देर फ्राई कर सकते हैं तो वो रोस्ट हो जाएगी। तो हमने आधा कप सिवई ली है। आधा कप हम गुड़ का पाउडर लेंगे, अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, बस उसको आपको पानी में घोल बनाना रहेगा। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म होने रखते हैं। दूध में उबाल आ गया है तो अब हम इसको एक चिमचे से चला देंगे और उसके बाद हम इसमें सिवई डालेंगे। सिवई डालने के बाद दूध में फिर से उबाल आ गया है और सिवई पकने लगी है, तो अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे और इसे धीमे धीमे ही पकने देंगे। सिवई को पकते हुए अभी करीब 3 मिनट हुए हैं तो हम इसे चला देंगे ताकि ये नीचे से जलने ना लगे। और अभी अच्छे से नहीं पकी है, इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। ये देखिए सिवई एकदम गाढ़ी हो गई है और आप देख सकते हैं साइज में भी ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फूल गई है, पक भी गई है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और प्लेट ढक के इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका गुड़ का पानी तैयार कर लेते हैं। तो ये लिए मैंने आधा कप गुड़ एक बर्तन में, और इसी में हम आधा कप ही पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे हम बस बिल्कुल एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे कि ऑलरेडी ये पाउडर है तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिक्स होने में। अगर आप खड़ी गुड़ लेंगे तो उसको मेल्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखिए गुड़ में उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गर्म गुड़ का पानी सिवई में डालेंगे तो फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें गुड़ का पानी बिल्कुल ठंडा करना है और सिवई को भी हमें हल्का ठंडा करना है, एकदम ठंडा नहीं, नॉर्मल गर्म रहना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। करीब 15 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए सिवई पहले से कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। जब हमने गैस का फ्लेम ऑफ किया था तो इसमें मिल्क काफ़ी दिख रहा था और अभी पूरा सिवई ने मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पानी। पूरा पानी हम एक साथ इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमें अच्छे से सिवई को मिक्स करना है। मिलाते वक्त हमें बिल्कुल भी गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही मिलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। और वापस से हमें इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है सिवई में। ये देखिए सिवई की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो अब हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। घी गर्म हो रहा है तो जो भी हमारे मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम हल्का भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो अगर ड्राई फ्रूट जल जाएंगे तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो हमें इसे हल्का हल्का ही फ्राई करना है।
सिवई में या फिर खीर में अगर हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालते हैं ना घी में, तो उसका स्वाद दो गुना हो जाता है, तो इसलिए हम इसे फ्राई करके डालेंगे। और आप देख सकते हैं किशमिश भी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इस स्टेज पे हमें इसे और ज़्यादा नहीं भूनना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए हैं। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स भुने हुए सिवई में डाल देंगे। वाओ, ये देखिए सिवई का कलर कितना अच्छा लग रहा है। एकदम गुड़ की सिवई हमने बनाई है और उसमें भुने हुए घी में ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो इसका स्वाद आप समझ ही सकते हैं कितना लाजवाब होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस रेसिपी को किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो मेरी सिवई तो बनके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कुक विद सुषमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।